फिजिक्स के बारे में कुछ बताओ। हाँ विकिपीडिया के अनुसार रसायन शास्त्र अथवा भौतिकी प्रकृति विज्ञान की एक विशाल शाखा है। भौतिकी को परिभाषित करना कठिन है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह ऊर्जा विषयक विज्ञान है और इसमें ऊर्जा के रूपांतरण तथा उसके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है। इसके द्वारा प्राकृत जगत और उसकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। गुगुन, लाइफ साइंस के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तीन विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीव जीवन और जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। हे गूगल, मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती हैं। गणित एक अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। गणित की कई शाखाएं हैं, अंकगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, बीज गणित, कलन इत्यादि। हे गूगल, कैलकुलेटर क्या है? विकिपीडिया के अनुसार परिकलक अन्य हिंदी पर्याय गणक या गणित्र गणितीय गणनाएं करने का एक उपकरण होता है। यद्यपि आधुनिक परिकलकों में प्रायः सामान्य उपयोग का एक संगणक होता है, फिर भी परिकलक कंप्यूटर से इस मामले में भिन्न है कि परिकलक की अभिकल्पना अपेक्षाकृत छोटी गणनाएं करने के लिए होता है। गूगल, ब्लूटूथ क्या है? विकिपीडिया के अनुसार ब्लूटूथ बेतार संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, संगणक, प्रिंटर, अंकीय कैमरा और वीडियो गेम जैसे उपकरण इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर जानकारी विनिमय कर सकते हैं। जुड़ने के लिए उपकरण रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। है गूगल, वाईफाई के बारे में आप कुछ बताओ। वेबसाइट hi.wikipedia.org से मिला सारांश यह है। वाईफाई या वाईफाई रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने की एक युक्ति है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जानकारी भेजने के लिए वाईफाई 802.11 मानक का प्रयोग करता है। हे गूगल, नेटवर्क के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं और आपस में तार या बेतार से जुड़े रहते हैं। हे गूगल, रिकॉर्ड के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार लिखित रिपोर्ट वह दस्तावेज है जो विशिष्ट दर्शकों के लिए केंद्रीकृत और मुख्य सामग्री प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट का इस्तेमाल प्रायः एक प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक या निजी, एक व्यक्ति विशेष या आम जनता के लिए हो सकती है। हे गूगल, डिजिटल के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार अंकीय भारत या डिजिटल भारत सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। हे गूगल, आधार कार्ड के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और UIDAI। हे गूगल, फिंगरप्रिंट के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार पहचान के प्रयोजनों के लिए उंगलियों के निशान के अध्ययन को अंगुली चिन्हन अध्ययन कहा जाता है। मनुष्य के हाथों तथा पैरों के तलबों में उभरी तथा गहरी महीन रेखाएं दृष्टिगत होती हैं। ये हल चलाए खेत की भांति दिखती हैं। हे गूगल, फोटो के बारे में कुछ बताओ आप। विकिपीडिया के अनुसार किसी भौतिक वस्तु से निकलने वाले विकिरण को किसी संवेदनशील माध्यम के ऊपर एकाग्र करके जब कोई स्थिर या चलायमान छवि बनाई जाती है तो उसे छायाचित्र कहते हैं। छायाचित्रण की प्रक्रिया कुछ सीमा तक कला भी है। इस कार्य के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसे कैमरा कहते हैं। हे गूगल, दूरबीन के बारे में आप कुछ बताओ।
विकिपीडिया के अनुसार दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। हे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 100 से भी अधिक देशों में फैली इसकी शाखाओं में 70,000 से भी अधिक लोग काम करते हैं। इसका वार्षिक व्यापार लगभग 20 खरब रुपयों का है। हे गूगल, टेलीस्कोप के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। हे गूगल, माइक्रोचिप के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के मुताबिक गूगल द्वारा अनुवादित माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इनके एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध अमेरिकी निगम है जो माइक्रो कंट्रोलर, मिश्रित सिग्नल, एनालॉग और फ्लैश आईपी एकीकृत सर्किट का निर्माता है। हे गूगल, सर्किट के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक परिपथ वह परिपथ है जिसमें प्रतिरोधक, संधारित्र, ट्रांजिस्टर, प्रेरकत्व, डायोड आदि तार से या बोर्ड पर बने चालक मार्गों से जुड़े हों। इसके मुख्य दो प्रकार हैं, एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ। जिस परिपथ में एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होता है उसे मिश्री परिपथ या संकर परिपथ कहते हैं। हे गूगल, लेजर के बारे में आप कुछ बताओ। माफ करें, मुझे समझ में नहीं आया। हे गूगल, स्टोन के बारे में आप कुछ बताओ। अपोलो अस्पताल के अनुसार किडनियों में जमने वाला छोटा और कड़ा निक्षेप जिसके बाहर निकलने में अक्सर दर्द होता है। हे गूगल, मेमोरी के बारे में आप कुछ बताओ। हम इस प्यारी दुनिया के बारे में बात करते हैं। चलिए आपके अगले सफर का प्लान बनाएं। हे गूगल, एप्स के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार थम स्मार्टफोन के स्क्रीन पर अनेकों एप्स के आइकन दिख रहे हैं। मोबाइल अनुप्रयोग या मोबाइल ऐप उन कंप्यूटर प्रोग्रामों को कहते हैं जो स्मार्टफोन, टेबलेट तथा अन्य मोबाइल युक्तियों पर चलाने के लिए बनाया जाता है। हे गूगल, प्रोग्राम के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार संगणक प्रोग्राम किसी विशेष कार्य को संगणक द्वारा कराने अथवा करने के लिए संगणक को समझ आने वाली भाषा में दिए गए निर्देशों का समूह होता है। संगणक को कोई सीटी भी काम करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत है। प्रोग्रामों को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। इन भाषाओं को अक्सर इंसानों के समझने योग्य बनाया जाता है। गूगल, इंजन के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार इंजन या मोटर उस यंत्र या मशीन को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इंजन की इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है, अर्थात इंजन रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। हे गूगल, मैग्नेट के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है और चुंबक का प्रमुख गुण आसपास की चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण इसी के कारण होता है। हे गूगल, अंग्रेजी में कुछ कहावत बताओ। अंग्रेजी में अ सेइंग का मतलब है एक कहावत। हे गूगल, सिस्टम के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। हे गूगल, शेयर बाजार के बारे में आप कुछ बताओ। माफ करें, मैं अभी व्यापार एवं उद्योग धंधे समाचार नहीं चला सकती।
हे गूगल, शेयर मार्केट क्या है? विकिपीडिया के अनुसार शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदे पक्के करते हैं। पहले शेयरों की खरीद बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुहजबानी ही सौदे किया करते थे। है गूगल, डिस्प्ले के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार प्रदर्शन यंत्र ऐसा निर्गम यंत्र होता है जिसमें सूचना दिखने वाले या स्पर्श कर सकने वाले रूप में प्रदर्शित हो। टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर इसका एक उदाहरण है। है गूगल, टच स्क्रीन के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार स्पर्श पटल एक ऐसी विद्युतीय दृश्य प्रादर्शी है जो प्रादर्श क्षेत्र में किसी स्पर्श की उपस्थिति और अवस्थिति की पहचान करने में सक्षम होती है। आसान शब्दों में स्पर्श पटल एक ऐसा पटल या मॉनिटर होता है जिसमें स्पर्श के माध्यम से भी डाटा भरा जा सकता है और ऐसा करने में किसी कुंजी पटल की आवश्यकता नहीं होती। हे गूगल, फेस लॉक के बारे में आप कुछ बताओ। rahankumar.com वेबसाइट के अनुसार फेस लॉक कैसे हटाए? सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग्स पर जाना होगा, तो सेटिंग्स में जाने के लिए सेटिंग्स के आइकॉन पर क्लिक करिए। इसके बाद फिंगरप्रिंट, फेस और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आप फिंगरप्रिंट, फेस और पासवर्ड में क्लिक करें। हे गूगल, जीमेल के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार जीमेल एक निःशुल्क POP3 और IMAP वेबमेल सेवा गूगल के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में इसे आधिकारिक तौर पर गूगल मेल कहा जाता है। जीमेल के बीटा रिलीज को 1 अप्रैल 2004 में केवल आमंत्रण द्वारा शुरू किया और 7 फरवरी 2007 से आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया, यद्यपि करोड़ों उपयोगकर्ताओं। है गूगल, विकिपीडिया के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार यह लेख इंटरनेट विश्वकोश के बारे में बतलाता है कि विकिपीडिया के मुख्य पृष्ठ के लिए विकिपीडिया का मुख्य पृष्ठ देखें, विकिपीडिया के आगंतुक परिचय के लिए विकिपीडिया के बारे में पृष्ठ देखें। है गूगल, प्रोग्राम सेटिंग के बारे में कुछ बताओ। अपना कैलेंडर सेटअप करने के लिए गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यह आपके फोन या टैबलेट पर मौजूद गूगल खातों से अपने आप जुड़ जाता है। फिर गूगल होम एप्लीकेशन में निजी खोज नतीजे चालू करें। है गूगल, प्रोजेक्टर के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार प्रक्षेपित्र या प्रोजेक्टर या छवि प्रक्षेपित्र एक प्रकाशीय युक्ति है जो किसी छवि को किसी तल के ऊपर प्रक्षेपित करती है। साधारण भाषा में कहा जाए तो प्रोजेक्टर ऐसी कोई भी डिवाइस है जो कि सतह पर लिखे हुए शब्दों को लेंस की मदद से सामने किसी भी दीवार या पर्दे पर दिखाने का काम करती है। हे गूगल, लेंस के बारे में आप कुछ बताओ। विकिपीडिया के अनुसार ताल एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ताल गोलीय, बेलनाकार आदि जैसे नियमित ज्यामिति रूप की दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम जिससे अपवर्तन के पश्चात किसी वस्तु का वास्तविक अथवा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ताल कहलाता है। उत्तल ताल मसूर की आकृति का होता है। हे गूगल, 3D के बारे में आप कुछ बताओ। माफ करें, मुझे समझ में नहीं आया। हे गूगल, 3D के बारे में आप कुछ बताओ। माफ करें, मैं समझी नहीं। हे गूगल, 3D के बारे में आप कुछ बताओ। thoughtinhindi.com वेबसाइट के अनुसार तो देखिए, 3D का पूरा मतलब है 3 डायमेंशन, यानी कि उसकी हाई, विथ और डेप्थ। मतलब आप कोई भी एक नॉर्मल वीडियो टीवी पे या यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं, वो नॉर्मल 2D वीडियो है। हे गूगल, आंखों के बारे में आप कुछ बताओ। वेबसाइट m.livehindustan.com से मिला सारांश यह है। आंखों के बारे में ये 10 बातें जानते हैं आप। हमारी आंखों का रेटिना सब कुछ उल्टा देखता है, लेकिन हमारा दिमाग उन उल्टी तस्वीरों को हमारे लिए सीधा कर देता है, इसलिए हम सीधा देख पाते हैं। मछलियां चूंकि पानी में रहती हैं, इसलिए उनकी आंखों में नमी बनी रहती है।